हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू वांगशान एफएफ लेकर आई हूँ जिसका नाम अ फॉर्चुअस बैट एनकाउंटर है और इसके ऑथर का नाम विविडेस लिस्ट है। ये एफएफ AO3 पर है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये एक ओमेगावर्स एफएफ है जिसमें लानवांग जी एक अल्फा और वे वुशियन ओमेगा है और हर बार की तरह इस एफएफ की भी हैप्पी एंडिंग है। तो चलिए अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। वे वुशियन गहरी नींद में था, अचानक से उसकी आंख खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके बगल में एक मैन सो रहा था जो कि निकेट था। वे वुशियन सोचता है, ओ गॉड, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने तुरंत अपने कपड़े उठाए और अपने बगल में लेटे पर्सन की तरफ बिना देखे पूरे रूम से बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि वे वुशियन जानता था कि अगर उसने उस पर्सन की ओर देखा तो वो वहाँ से जा नहीं पाएगा। लेकिन उसने बहुत ही बुरा काम किया था, उसे ये नहीं करना चाहिए था। वेंग कभी सपने में भी लानवांग जी से मिलने के बारे में दोबारा नहीं सोच सकता था और ना ही वो खुद की गई गलती के लिए वांग जी को जिम्मेदार ठहरा सकता था। ये सब सोचते सोचते वे वुशियन की आंखों में आंसू आने लगे थे और उसे ये अच्छे से एहसास हो गया था कि अब वो कभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड को दोबारा नहीं देख पाएगा। वे वुशियन को तो यहाँ तक भूल जाना चाहिए था कि वो वांग जी से प्यार भी करता था या कभी उसने वांग जी को पसंद भी किया था। वो सोचता है, चाहे वांग जी को पता चले या ना चले, उन्होंने जो भी टाइम साथ में बिताया था, पर तभी उसने खुद को संभाला वरना वो वहाँ से जा नहीं पाता। वे वुशियन हॉल से जल्दी जल्दी जा रहा था और अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछता जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो अपनी जगह पर रुक गया जब वेंग किसी से टकराया। किसी ने वेंग को मजबूती से पकड़ रखा था, पर तभी वेंग ने खुद को उससे दूर किया। अगर वो लान शिरेन होता तब तो वेंग का न जाने क्या हो गया होता। वेंग कुछ देर तक अपना सर नीचे करके खड़ा रहा ताकि वो सामने खड़े पर्सन से कोई बहाना कर सके कि वो वहाँ पर क्यों आया था। लेकिन जब उसने ऊपर सिर उठाकर देखा तो वहाँ पर लान शिचेन खड़ा हुआ था और वो वेंग को बहुत ही ध्यान से देख रहा था, जैसे वो वेंग की कंडीशन देखकर काफ़ी चिंतित हो। लान शिचेन को वेंग के वहाँ आने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो काफ़ी कन्फ्यूज्ड और डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसने कहा, वे वुशियन तुम? तभी वे वुशियन ने एक कदम पीछे कर लिया। उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आने लगे थे। वेंग ने धीरे से कहा, एक्सक्यूज मी लान शिचेन। वो वहाँ से भागना चाहता था, पर तभी उसे एहसास हुआ कि लान शिचेन ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। वो काफ़ी देर तक ज़मीन की ओर देखता रहा, इससे पहले कि वो इतनी हिम्मत जुटा पाए कि वो लान शिचेन की ओर दोबारा देख सके। लान शिचेन ने बहुत ही पोलाइटली कहा, वे वुशियन तुम्हारी स्मेल, मेरा मतलब तुम्हारी हीट। तभी उसने जल्दी से खुद को संभाला और कहा, वे वुशियन क्या वांग जी ने? ये सोचते ही लान शिचेन का मानो दिल बैठ सा गया हो, क्योंकि वो जानता था कि इसकी वजह से क्या कुछ हो सकता था। लान शिचेन ने कहा, वे वुशियन वांग जी ने तुम्हें मार्क किया है? उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था जो कुछ भी वो कह रहा था। तभी वे वुशियन ने लान शिचेन से कहा, नहीं नहीं, ये मेरी गलती थी, प्लीज़ अगर आप वांग जी से कुछ भी ना बताएं। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा, प्लीज़ वांग जी को कुछ भी मत बताइएगा। अगर वांग जी नींद से जागा और उसे कुछ भी याद नहीं रहा, प्लीज़ उसे मत बताइएगा। वेंग ने शिचेन से कहा, लज्जा मुझसे अच्छा ओमेगा डिज़र्व करता है और आपके अंकल भी एक अच्छे ओमेगा को ही प्रेफर करेंगे। शिचेन ने कहा, वे वुशियन अगर तुम वांग जी के मेट हो। पर वो अचानक से रुक गया क्योंकि उसने वे वुशियन की आंखों में डर देख लिया था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर अपना बिजनेस कार्ड और एक पेन निकाला। शिचेन ने कहा, वे वुशियन तुम मेरे कॉन्टैक्ट में रहना, तुम हीट में थे, तुम और वांग जी इंटीमेट हुए थे, अगर इसकी वजह से कुछ होता है तो याद रखना कि मैं तुम्हारी हर हाल में मदद करूँगा बिना वांग जी को बताए। ये लास्ट बात उसने जल्दी से ऐड कर दी थी क्योंकि वो समझ गया था कि वे वुशियन वो कार्ड लेने में हिचकिचा रहा था। वेंग तो अभी भी मना कर रहा था, पर शिचेन ने उसे कई बार कहा, इसलिए वेंग को आखिरकार मानना ही पड़ा। शिचेन ने कहा कि अगर इन केस
कोई चांस हुई कि मुझे नीस या नेफ्यू मिलेगा तो मैं उसकी हर हाल में मदद करूँगा, क्योंकि वे विशयन मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसने कहा, तुम वांग जी के काफ़ी टाइम से दोस्त रहे हो, इसलिए मेरे भी दोस्त बन गए हो और मुझे अपने दोस्तों के अच्छे बुरे का ख्याल है। ये कहकर शी चेन ने हल्के से स्माइल किया। वे वुशियान कुछ देर तक हेजिटेट करता रहा, लेकिन फिर उसने वो कार्ड ले लिया। उसने कहा, लां शी चेन, कसम खाइए कि आप वांग जी को कुछ भी नहीं बताएंगे। वो जानता था कि वो सेल्फिश है। लान ब्रदर्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे और फिर लां शी चेन से ये कहना कि वो वांग जी से कुछ भी ना बताए कि वांग जी का एक मेट है, ये तो सीधे सीधे धोखा देना था और इसकी वजह से शी चेन खुद को कसूरवार समझता रहेगा। लेकिन वे वुशियान ये नहीं चाहता था कि वांग जी सिर्फ उसके साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए रहे। शी चेन ने एक सैड सी स्माइल दी और हाँ में अपना सर हिला दिया। वेइंग ने शी चेन के सामने अपना सर झुकाया और फिर वो वहाँ से चला गया। 5 साल बीत चुके थे। वे वुशियान को अपने चेहरे पर किसी के हाथों का एहसास हुआ जो कि उसे मामा उठो कहकर बुला रहे थे। वेइंग ने अंगड़ाई ली और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने लगा। उसे चादर के ऊपर किसी के होने का एहसास हो रहा था। वेइंग मुस्कराया और बच्चे को उठाकर अपने पास चादर के अंदर लेटा लिया। वेइंग ने कहा, मॉम उठ चुकी हैं, अगर आज हम स्कूल ना जाएं और इसी बेड में पूरे दिन आयुआन के साथ लेटे रहें। आयुआन ने खुद को वेइंग की पकड़ से छुड़ाया और घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने हाथों को फोल्ड किया और कहा, मॉम मुझे जाना है, आंटी शिंग कहती हैं कि मुझे स्कूल जाना है ताकि मैं अच्छी चीज़ें सीखूं और स्मार्ट बनूं। वे वुशियान ने सोचा, ओ गुडनेस, आयुआन तो पूरा का पूरा गुस्सेल वेंचिंग का कॉपी बन रहा है। उसने सोचा, शायद उसे वेंचिंग से मना करना पड़ेगा आयुआन को बेबीसिट करने के लिए, वरना उसका बच्चा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। वेइंग ने सोचा, आयुआन ऑलरेडी स्मार्ट है, फिर एक दिन में कुछ नहीं हो जाएगा। उसने आयुआन को बेड से उठाया और वापस उसे ज़मीन पर बैठा दिया जैसे कि वो पहले था। फिर उन दोनों ने अपना मॉर्निंग रूटीन शुरू किया। वे वुशियान अपने बेटे के साथ डे केयर में जाने से पहले का ही टाइम स्पेंड कर पाता था, क्योंकि फिर बाद में उसे बार में शिफ्ट करनी पड़ती थी जिसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं था। लकीली ये 2 हफ्ते पहले ही खत्म हो चुका था। आज वे वुशियान का एज अ टीचर पहला दिन था, साथ ही आयुआन का एज अ स्टूडेंट। वे वुशियान ब्रेकफास्ट कर ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने जब फ़ोन उठाया तो देखा कि लां शी चेन ने उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया था। वेइंग सोचता है कि उसे याद से शी चेन को बता देना चाहिए था कि अब उसे और पैसों की ज़रूरत नहीं है। उसने पहले कोशिश की थी जब उसने बार में काम करना शुरू किया था, तब आयुआन इतना बड़ा हो गया था कि वे वुशियान शी चेन से अलग हो सके, लेकिन शी चेन ने इंसिस्ट किया था कि वो आयुआन की डे केयर की फीस देगा। आयुआन को अपने अंकल से बहुत ज़्यादा लगाव था, जबकि वो ये तक नहीं जानता था कि उनका क्या रिलेशन है। लां शी चेन को जब भी टाइम मिलता था वो वे वुशियान और आयुआन से मिलने जाया करता था। वो उन 4 लोगों में से एक था जिसने वे वुशियान से अपना रिश्ता बना कर रखा था। जब वे वुशियान की एडॉप्टिव फैमिली ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था ये जानकर कि वेइंग प्रेग्नेंट है, यू जी युआन ने बहुत गुस्सा किया था और जियांग फेंग मियान वेइंग से काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे जब वेइंग ने ये बोला था कि उसे नहीं पता कि इस बच्चे का फादर कौन है। उन सब ने ये बात छुपा कर रखी थी, लेकिन कुछ दिन बाद जब लां शी चेन ने वेइंग को कांटेक्ट किया और फिर 1 हफ्ते से भी कम टाइम में उसने वेइंग को बताया कि उसने वेइंग के लिए सभी चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया है और वो एक छोटे से अपार्टमेंट में मूव कर सकता है। शी चेन ने यहाँ तक कहा था कि सारे मेडिकल बिल्स वो खुद भरेगा। वेंचिंग और वेनिंग ने वेइंग को अपने साथ रखा था जब वेइंग ने नया नया अपना घर छोड़ा था।
वो दोनों अक्सर वेइंग के घर जाया करते थे और उन्होंने उसकी काफ़ी हेल्प भी की थी। यहाँ तक कि युआन के बर्थ सर्टिफिकेट पर वेंस का नेम दिया गया था, क्योंकि वेइंग ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो अपने बच्चे को लान फैमिली का सरनेम नहीं देगा। वेइंग ने लान शिचेन की आंखों में तकलीफ और उदासी देखी थी, लेकिन शिचेन ने उसके इस डिसीजन के लिए हाँ कर दिया था जब उसने अपने नेफ्यू युआन को अपनी गोद में लिया। वे वुशियान लान शिचेन की हेल्प लेने के लिए हेजिटेट करता रहा था, पर यह भी सच था कि शिचेन की हेल्प के बिना न जाने उसका और उसके बच्चे आ युआन का क्या होता। ये सच था कि वेंचिंग और वेनिंग हमेशा उसके साथ थे, लेकिन उनकी खुद की भी तो फैमिली थी ना जिन्हें उन्हें देखना था। वो लान फैमिली के जितना रिच नहीं थे। वे वुशियान आ युआन का हाथ पकड़े हुए जा रहा था। फाइनली वो दोनों एक कलरफुल बिल्डिंग के सामने पहुंच गए। आ युआन का मन उदास हो गया था। वो वे वुशियान की ओर देखे जा रहा था जैसे वो पूरा दिन घर पर रहने की बात को फिर से सोच रहा हो। वे वुशियान को आ युआन की आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था, यहाँ तक कि उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था आ युआन से अलग होने में। ये सोचकर कि काश वो दोनों कुछ दिन और घर पर एक दूसरे के साथ रह सकते। तभी वहाँ एक टीचर आई और उसने आ युआन का नाम पूछा। ये सुनते ही आ युआन धीरे से वेइंग के पैरों के पीछे जाकर छुप गया और बोला, आ युआन। उस टीचर ने आ युआन की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा कि आपकी मॉम वापस आ जाएंगी। वेइंग ने भी आ युआन को हिम्मत दी और कहा, आ युआन को यहाँ कितना कुछ सीखने को मिलेगा, क्या तुम आंटी शिंग को इम्प्रेस नहीं करना चाहते हो। वेन युआन ने यह सुनकर हाँ में अपना सर हिलाया और कहा, और अंकल शिचेन और अंकल निंग को भी मुझे इम्प्रेस करना है। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने उस टीचर का हाथ पकड़ लिया। आ युआन ने वेइंग की ओर देखा जो उसे बाय बोल रहा था। वहाँ एक और टीचर भी आई और वे वुशियान से बोली कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास आपका नंबर है इन केस अगर कोई बात होती है। और आ युआन को नए एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल भी तो होना पड़ेगा। वे वुशियान कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और आ युआन को देखता रहा। तभी उसे याद आया कि उसे भी अपने काम पर जाना है। उसने टीचर को थैंक यू बोला और आ युआन को गुड बाय किया। वेइंग को अकेले जाना अब अच्छा नहीं लग रहा था और वो ये भी सोचता जा रहा था कि वो डिनर के लिए क्या बनाएगा। साथ ही ये भी याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी अगली हीट कब है। वो दिन बहुत जल्दी बीत गया, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करने में, गेम्स, लंच, इन सब में। इससे पहले कि वेइंग समझता, उसके स्टूडेंट्स उससे गुड बाय कह रहे थे। ऑल इन ऑल वो काफ़ी अच्छा दिन था, लेकिन वेइंग तब तक बेटर फील नहीं करता जब तक वो ये ना जान लेता कि आ युआन अपने स्कूल में एडजस्ट कर चुका है और कम से कम उसने अपना एक फ्रेंड तो बना ही लिया हो वहाँ पर। वेइंग स्कूल में एक घंटा एक्स्ट्रा रुका रहा ताकि वो अगले दिन की प्रिपरेशन कर सके। फिर उसने वहाँ का डोर लॉक किया और वहाँ के कस्टोडियन को गुड आफ्टरनून कहा। स्कूल में ज़्यादा ओमेगास नहीं थे। वे वुशियान ये सोच रहा था जब वो बस से आ युआन को लेने जा रहा था। मैंग याओ नाम का एक ओमेगा था जो क्लास थर्ड में पढ़ाता था, उसके अलावा बाकी सब बीटा थे। वे वुशियान की फेवरेट एक वुमेन थी जिसका नाम लुओ शिंग यांग था, जिसकी पर्सनालिटी काफ़ी करेजियस थी और काफ़ी कुछ वो वे वुशियान के नेचर की ही थी और जिसको वे वुशियान को टीज करने में मज़ा आता था, बजाय मैंग याओ के जो नेचर वाइज कुछ ज़्यादा ही अच्छा था पर म्यान म्यान कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाया करती थी। लान वांग जी ने वेइंग की बॉडी पर 5 साल पहले एक बाइट मार्क छोड़ा था जिसका निशान आज तक था उसकी बॉडी पर, जिसकी वजह से कोई भी वे वुशियान के साथ फ्लर्ट करने की या सेड्यूस करने की कोशिश नहीं करता था। सोसाइटी में ओमेगास के प्रति ज़्यादा अच्छा बिहेवियर नहीं था लोगों का। वे वुशियान समझ गया था कि उसकी बॉडी पर जो बाइट का निशान था उसी वजह से मैंग याओ ऐसे बिहेव करता था। उसने कई बार मैंग याओ से दोस्ती करने की कोशिश की पर हर बार वो वेइंग से कटा कटा रहता था, ये कहकर कि वो दूर से ही ठीक है। वेइंग को ऐसे ओमेगास कभी भी पसंद नहीं थे जो ऐसे बिहेव करते थे, क्योंकि लकीर के फकीर बने रहना इनकी आदत हो चुकी थी। वे वुशियान पहले इन सारी बातों को नहीं मानता था, उसने कभी नहीं सोचा था कि ये सारी चीज़ें ओमेगास खुद को बचाने के लिए करते थे।
वेइंग का फैमिली बैकग्राउंड मजबूत था, लेकिन उन ओमेगास का क्या जो पैसे से मजबूत नहीं थे। उसने सुना था कि मैंग याओ की मदर एक ओमेगा थी जिसके साथ किसी ने रेप किया था, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई थी। कुछ ओमेगास के लिए शायद यही बेहतर था कि वो किसी के सामने ना आए। ये सोचते सोचते वेइंग बस से उतरने लगा और फाइनली वो आई युआन के प्री स्कूल पहुँच गया। वहाँ बच्चे खेल रहे थे और अपने पेरेंट्स का वेट कर रहे थे। एक टीचर गेट पर खड़ा हुआ था। जब वो वेवू शियान को पहचान गया तो उसने उसे अंदर आने दिया। उसने वेइंग से बताया कि आ युआन काफ़ी कोऑपरेटिव नेचर का है और उसने कई फ्रेंड्स भी बना लिए हैं, और यहाँ तक कि कई बच्चे जो रो रहे थे उनको आ युआन ने शांत करवाया है। वेवू शियान ये सारी बातें सुनकर काफ़ी प्राउड फील कर रहा था। वो सोच रहा था कि शिचेन वेन निंग वेन चिंग कितना खुश होंगे ये जानकर कि उन सब ने आ युआन को एक बहुत ही अच्छा और फ्रेंडली बच्चे के रूप में बड़ा किया है। इधर आ युआन और बच्चों के साथ हंस खेल रहा था, पर जैसे ही टीचर ने उसका नाम लिया वो जल्दी से वेइंग के गोद में कूद गया जाकर। आ युआन अपने पूरे दिन की बातें वेवू शियान को बता रहा था। वेइंग बस हाँ में अपना सर हिलाता जा रहा था और हंस रहा था। अब वो संतुष्ट हो गया था ये सोचकर कि आ युआन खुश है और अपने स्कूल के सराउंडिंग्स में एडजस्ट कर चुका है। वेइंग की सारी चिंता दूर हो गई थी। जैसे ही वो दोनों घर पहुँचे, आ युआन ने अपने बैग से पेपर और कलर निकाले और ड्राइंग करने लगा ताकि वो अपने अंकल और आंटी को पूरे दिन में जो हुआ उसे दिखा सके। वेइंग को उम्मीद थी कि वेन शिंग और वेन निंग डिनर के लिए आएंगे और वो उन्हें मैसेज भी करता ये श्योर करने के लिए कि वो वहाँ आ रहे हैं, पर वेइंग के फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। वेइंग ने कहा ठीक है, अगर वो नहीं भी आए तो बचा हुआ खाना वो लंच के लिए पैक कर लेगा। ये सोचकर उसने अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाया और खाना बनाने के लिए किचन में चला गया। वेंचिंग ने उसके लिए नोट लिखकर छोड़ा था जिसमें लिखा था उसने वेइंग को धमकी दी थी कि अगर उसने सेम उसी तरह से जैसे लिखा है वैसे खाना नहीं बनाया या फिर स्पाइसी शब्द वेन युआन के मुंह से भी निकला तो वो वेवू शियान को छोड़ेगी नहीं। वेंचिंग ने काफ़ी टाइम तक वेवू शियान को खाना बनाने में हेल्प की थी जिससे वेइंग अब काफ़ी कुछ सीख चुका था। वेइंग ने खाना सिंपल कर दिया और देखा कि आ युआन लिविंग रूम में कलरिंग कर रहा था। उसने कहा आ युआन डिनर जल्दी ही रेडी हो जाएगा। इसके बाद वेइंग अपना फ़ोन देखने चला गया कि कहीं वेनिंग या वेंचिंग ने कोई मैसेज तो नहीं किया है कि वो वहाँ आ रहे हैं। जब उसने फ़ोन स्विच ऑन किया उसने देखा कि लान शिचेन की कई सारी मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थी और एक घंटे पहले का मैसेज था। मैसेज में लिखा था आई एम सो सॉरी। ये मैसेज देखते ही वेइंग के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने सोचा क्या मतलब है इसका, क्या शिचेन ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। वेइंग अपने ख्यालों में खोया ही हुआ था तभी मेन डोर पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था दरवाज़ा खोलना, तभी उसने सुना कि आ युआन किसी से बात कर रहा है। ये देखते ही वेइंग अपना फ़ोन छोड़कर दरवाजे की ओर भागा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको न्यू FF का पार्ट 1, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।